Very good morning to all of you. Myself Manoj Kumar Sharma, plus one commerce section के accountancy subject की इस online class में आपका स्वागत है. आज हम लेखांकन समीकरण के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश बोर्ड द्वारा final examination में पूछे गए questions जो हैं वो discuss करेंगे. अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कि हमने आपको बताया है कि एक ऐसा समीकरण होता है जो व्यवसाय के संपत्तियों, दायित्व और पूंजी के मध्य संबंध को दर्शाता है. अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. व्यवसाय में जो कोई भी लेन देन होता है उसका व्यवसाय की संपत्तियों, दायित्व और पूंजी पर बराबर प्रभाव पड़ता है. तो लेट बी डिस्कस द फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मार्च 2019 को जो है वो पूछा गया है. सो द क्वेश्चन इज द फर्स्ट कनेक्शन इज ओंकार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. 50,000 रुपए लगाकर जो है वो ओंकार द्वारा व्यवसाय शुरू किया गया. तो जब 50,000 रुपया लगाकर व्यवसाय शुरू किया जाता है तो इस लेन देन से तो व्यवसाय में कैश जो है रोकड़ संपत्ति जो है वो बढ़ती है और दूसरी तरफ जिस राशि से व्यवसाय शुरू किया जाता है उसे व्यवसाय की पूंजी कहा जाता है. तो इस लेन देन से एक तरफ व्यवसाय की कैश संपत्ति जो है वो बढ़ जाएगी 50,000 से और दूसरी तरफ जो है वो कैपिटल बढ़ जाएगी 50,000 से. सेकेंड डायरेक्शन है फर्नीचर परचेज इन कैश 6,000. फर्नीचर खरीदा गया नगद 6,000 रुपया. तो जब 6,000 रुपया लगाकर फर्नीचर खरीदा गया तो इस लेन देन से एक तो फर्नीचर व्यवसाय में आया और कैश व्यवसाय से गया. तो फर्नीचर भी संपत्ति होती है और कैश भी संपत्ति होती है. तो इस लेन देन से एक तरफ व्यवसाय में फर्नीचर संपत्ति जो है वो बढ़ जाएगी कितने से 6,000 से और दूसरी तरफ क्योंकि नगद खरीदा है तो कैश संपत्ति जो है वो 6,000 से कम हो जाएगी. अब हम न्यू इक्वेशन इस इक्वेशंस के बाद देखते हैं तो हमारे पास कैश जो है वो 44,000 रह जाता है और 6,000 हमारे पास मशीनरी हो जाती है. लाइबिलिटीज हमारे पास जीरो है और कैपिटल हमारे पास सेम की सेम 50,000 है. तो अगेन आप देख सकते हैं 44 प्लस 6 50 एंड अगेन 50. तो प्रत्येक लेन देन के बाद व्यवसाय की संपत्तियां उसके दायित्व और पूंजी के बराबर है. नेक्स्ट कलेक्शन जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूपीज 800. पूंजी पर ब्याज लगाया गया 800 रुपया. तो जब पूंजी पर ब्याज लगाया गया इससे पूंजी बढ़ जाती है और दूसरी तरफ व्यवसाय के लिए पूंजी पर ब्याज जो है वो एक एक्सपेंस होता है इसलिए पूंजी कम हो जाती है. तो इस लेन देन का इफेक्ट जो होगा वो एक तरफ पूंजी जो है वो 800 रुपए से बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ पूंजी जो है वो 800 रुपए से कम हो जाएगी क्योंकि एक तरफ वो एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंसेस से हमेशा पूंजी कम हो जाती है और जब इंटरेस्ट मिलता है तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाती है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उसे पूंजी की राशि बढ़ जाती है. तो इस लेन देन के बाद हमारे पास अब देखिए तो कैश में कोई चेंजेस नहीं है. 44,600 हमारे पास. फर्नीचर कोई चेंज इसमें नहीं हुआ. लाइबिलिटीज हमारे पास जीरो है और 50,000 अगेन हमारे पास कैपिटल सेम रही. तो 44 प्लस 650 और देन 50. आफ्टर दैट हमारे पास ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम सरला रूपीज 9,000. सरला से 9,000 रुपए का माल उधार खरीदा क्योंकि इसमें नगद नहीं खरीदा है उधार खरीदा गया है. तो गुड्स खरीदी 9,000 की. तो गुड्स हमारे पास संपत्ति होती है तो एक तरफ व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो गुड्स के रूप में 9,000 बढ़ जाती है और दूसरी तरफ जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदा जाता है उसे हम लेनदार कहते हैं और लेनदार व्यवसाय का दायित्व तो होता है. द पर्सन फ्रॉम होम गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ क्रेडिटर एंड क्रेडिटर जो है वो एक व्यवसाय की लाइबिलिटीज होती है दायित्व तो होते हैं. तो आपका लाइबिलिटीज जो है वो क्रेडिटर्स के रूप में 9,000 जो है वो बढ़ जाएगा. तो इस लेन देन के दो इफेक्ट जो है
वो एक तरफ गुड्स एसेट बढ़ी और दूसरी तरफ क्रेडिटर लायबिलिटीज जो है वो बढ़ गई। तो न्यू इक्वेशन कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इट इज अगेन 44,000, फर्नीचर इट इज सेम 6,000 एंड देन गुड्स 9,000, देन क्रेडिटर 9,000, लायबिलिटीज और कैपिटल में कोई चेंज नहीं है 50,000। तो 44 प्लस 6 50, 50 प्लस 9 59 एंड 9 प्लस 50 59,000। तो इस लेन देन के बाद भी व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो 59,000 है, दायित्व 9,000 है और कैपिटल जो है वो 50,000 है। मींस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देन द लास्ट इज फर्नीचर सॉरी मशीनरी परचेज्ड इन कैश 11,000, 11,000 रुपए से जो है वो मशीनरी नगद खरीदी गई। तो जब मशीनरी खरीदी गई तो मशीनरी व्यवसाय में आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक संपत्ति मशीनरी, क्योंकि एक संपत्ति होती है तो इसलिए मशीनरी संपत्ति जो है वो बढ़ जाती है 11,000 से। दूसरी तरफ क्योंकि नगद खरीदी जाती है मशीनरी, इसलिए कैश जो है वो कम हो जाता है, इसलिए कैश भी एक संपत्ति है तो हमारे पास कैश कम हो जाता है। तो लास्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो है वो 33,000 हमारे पास कैश बच गया, 6,000 फर्नीचर हो गया, देन 9,000 हमारे पास गुड्स है और 11,000 हमारे पास जो है वो मशीनरी बची और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं 9,000 एंड देन 50,000। तो इस लेन देन के बाद भी अगर आप देखें तो 33 प्लस 6 39, 39 प्लस 9 48 प्लस 11 59 और 9 प्लस 50 इट इज अगेन 59,000। तो इस तरह से आपने देखा कि इस लेन देन के बाद भी व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो व्यवसाय के दायित्व और पूंजी के बराबर है। नाउ अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो कि मार्च 2020 में पूछा गया है। तो मार्च 2020 में जो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 30,000। तो 30,000 रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू किया। तो जब 30,000 रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू किया तो व्यवसाय में 30,000 रुपए से कैश संपत्ति बढ़ जाती है और दूसरी तरफ कैपिटल 30,000 रुपए से बढ़ जाती है। ठीक है, द सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 रुपए से नगद माल खरीदा गया। तो जब गुड्स नगद खरीदी गई तो गुड्स व्यवसाय में आती हैं, तो गुड्स जो है वो व्यवसाय के लिए संपत्ति होती है तो 5,000 से गुड्स जो है वो बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ क्योंकि गुड्स नगद खरीदी जाती हैं इसलिए जो है वो कैश जो है वो कम हो जाता है। तो न्यू इक्वेशन अगर आप अब देखें तो हमारे पास कैश 25,000 रुपया बचता है, 30 में से 5 डिडक्ट हो गए 25,000 और 5,000 रुपए हमारे पास गुड्स आ जाती है। तो 25 और 5 टोटल संपत्तियां जो 30 हो जाती है, लायबिलिटीज हमारे पास जीरो है और कैपिटल जो है हमारे पास अगेन 30,000 है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फर्नीचर रुपीज 6,000, फर्नीचर खरीदा गया 6,000 रुपए से। तो जब फर्नीचर खरीदा गया तो फर्नीचर एक संपत्ति होती है तो व्यवसाय में फर्नीचर संपत्ति जो है वो बढ़ जाती है, कितने से 6,000 रुपए से, क्योंकि फर्नीचर नगद खरीदा गया तो दूसरी तरफ 6,000 रुपए से ही जो है वो कैश संपत्ति व्यवसाय की काम हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लेन देन का या तो संपत्ति पर या तो दायित्व पर और एक पूंजी पर प्रभाव पड़ रहा है। तो 25,000 में से 6,000 कैश का आपने फर्नीचर खरीदा तो 19,000 कैश बचा, 5,000 रुपए की गुड्स हो गई बिजनेस के पास और 6,000 रुपया फर्नीचर हो गया। तो 19 और 5 24, 24 और 6 30, जीरो क्योंकि लायबिलिटीज हमारे पास जीरो है, कैपिटल पे कोई चेंज नहीं हुआ तो इट इज अगेन 30,000। तो आपने देखा कि इस ट्रांजेक्शन के बाद भी व्यवसाय की संपत्तियां जो हैं वो उसके दायित्व और पूंजी के बराबर हैं। नेक्स्ट लेन देन है सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 4,000, बी को माल बेचा। अब इसमें क्योंकि ये नहीं लिखा गया है आपको कि उधार या नगद बेचा तो हम उधार मानेंगे। तो सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 4,000, बी को उधार माल बेचा। तो माल का मतलब गुड्स, तो गुड्स हमारे पास कम हो जाती हैं, कितने से 4,000 से गुड्स कम हो जाती हैं। और जब उधार माल बेचा गया तो जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे हम कहते हैं डेटर्स,
ठीक है, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स, और देनदार जो होते हैं वो भी व्यवसाय की संपत्ति होती है, तो इसलिए व्यवसाय की संपत्ति जो देनदार है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, कितने से 4000 से। तो इस ट्रांजेक्शन से भी दोनों इफेक्ट जो है वो एसेट साइड ही हुए, एक तरफ गुड्स कम हो गई, दूसरी तरफ जो है वो डेटर देनदार संपत्ति बढ़ जाती है। तो अब हम न्यू इक्वेशंस देखें तो 19000 हमारे पास कैश आ जाता है, गुड्स हमारे पास 5000 थी, 4000 की हमने बेच दी है तो हमारे पास 1000 रुपए की गुड्स बची, ठीक है, फर्नीचर हमारे पास कोई चेंज नहीं तो 6 का 6000 है, और डेटर्स हमारे पास जो है वो 4000 रुपए हो गए, लाइबिलिटीज कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, तो पूंजी में भी कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। तो फिर आप टोटल कर सकते हैं 19 और 1 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 0 प्लस 30 30, मीन्स इस लेन देन के बाद भी जो है वो संपत्तियां जो है वो उसके दायित्व और पूंजी के बराबर है। देन लास्ट ट्रांजेक्शन जो क्वेश्चन में पूछी गई है वो है बॉट मशीनरी फॉर रुपीज 8000, मशीनरी खरीदी गई 8000 रुपए से, तो जब मशीनरी खरीदी गई 8000 रुपए से तो व्यवसाय में, क्योंकि मशीनरी भी एक संपत्ति होती है, तो मशीनरी संपत्ति जो है वो 8000 रुपए से बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ क्योंकि हमने नगद खरीदी है इसलिए नगद जब खरीदी है तो कैश हमारे पास कम हो जाएगा, तो ये लास्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास क्योंकि लास्ट ही ट्रांजेक्शन है। तो अब देखिए हमारे पास 19000 रुपए कैश था, 8000 रुपए का अपने मशीनरी खरीद ली, तो 11000 रुपया हमारे पास जो है वो कैश बचा। हाँ, 1000 की गुड्स है, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें, 6000 का फर्नीचर है इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, डेटर्स 4000 है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, और मशीनरी जो है वो व्यवसाय में 8000 रुपया बढ़ जाती है, और लाइबिलिटीज कोई लाइबिलिटीज नहीं है, और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद भी आप देख सकते हैं कि 11000 प्लस 1 12, 12 और 6 18000, 18 और 4 22, 22 और 8 30000 रुपया, और 0 प्लस 30000 रुपया। तो इस लेन देन के बाद भी आप देख सकते हैं कि व्यवसाय की संपत्तियां जो हैं वो उसके दायित्व और पूंजी के बराबर है। तो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मार्च 2021 में जो अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरह से है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80000, 80000 रुपए लगाकर जो है वो व्यवसाय शुरू किया गया, तो 80000 रुपए से कैश संपत्ति जो है वो व्यवसाय की बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ जिस राशि से व्यवसाय शुरू किया जाता है उसे हम पूंजी कहते हैं, तो पूंजी बढ़ जाती है। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20000, 20000 रुपए से नगद माल खरीदा, तो जब नगद माल खरीदा जाता है तो एक तरफ कैश कम हो जाता है और गुड्स बढ़ती हैं, तो गुड्स व्यवसाय की क्योंकि संपत्ति होती है तो गुड्स जो है वो बढ़ जाती है, कितने से 20000 रुपए से, और दूसरी तरफ जो है क्योंकि नगद खरीदी जाती है तो जब नगद खरीदी जाती है तो इससे कैश संपत्ति जो है वो व्यवसाय की कम हो जाती है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यू इक्वेशंस क्या बनी है, तो 80000 रुपए कैश था उसमें से 20000 की गुड्स खरीद ली, तो 60000 हमारे पास कैश बचा, लेकिन 20000 हमारे पास गुड्स आ जाती है तो लाइबिलिटीज हमारे पास नहीं है और कैपिटल हमारे पास सेम है 80000, तो 60 प्लस 20 80 देन 80000, तो इस लेन देन के बाद भी हमारे पास व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो दायित्व और पूंजी के बराबर है। थर्ड ट्रांजेक्शन जो है वो है द सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 12000, 12000 रुपए से उधार माल बेचा, तो क्योंकि उधार माल बेचा है, माल मतलब गुड्स बेची हैं, तो गुड्स हमारे पास संपत्ति होती है तो वो बेच दी, तो इसका मतलब वो कम हो गई, 12000 रुपए से हमारे पास गुड्स कम हो जाती हैं, और कैसे बेची जाती हैं, क्रेडिट, द पर्सन टू हुम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड अ डेटर, उसे हम देनदार कहते हैं, तो देनदार जो है वो व्यवसाय की क्या होती है, संपत्ति होती है, तो डेटर्स व्यवसाय की संपत्ति जो है वो 12000 रुपए से बढ़ जाती है। तो इस लेन देन के बाद भी अगर आप देखते हैं तो हमारे पास 60000 कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ, तो कैश हमारे पास 60000 है, ठीक है, गुड्स हमारे पास 20000 रुपए थी,
12,000 रुपए की आपने बेच दी, तो ये 8,000 रुपए बच गई हमारे पास, और 12,000 रुपए से जो है वो हमारे पास डेटर्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज हमारे पास जीरो, और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं, इट इज अगेन 80,000। तो आप देख सकते हैं 60 + 8 = 68,000 प्लस 12,000 इट इज 80,000 एंड जीरो प्लस 80,000 इट इज अगेन 80,000। तो इस लेन देन के बाद भी आप देख रहे हैं कि व्यवसाय की संपत्तियां जो हैं वो व्यवसाय के दायित्व और पूंजी के बराबर हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सैलरी पेड ₹5,000, वेतन का भुगतान किया ₹5,000। तो जब वेतन का भुगतान किया गया तो ₹5,000 से जो है वो रोकड़ संपत्ति जो है वो कम हो जाती है, और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे हमेशा व्यवसाय की पूंजी जो है वो कम हो जाती है। एक्सपेंसेस से व्यवसाय की पूंजी कम हो जाती है और इनकम्स प्रॉफिट जो होते हैं उससे व्यवसाय की पूंजी बढ़ जाती है। तो इस ट्रांजेक्शन्स के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कैश जो है वो 60,000 था माइनस 5, तो हमारे पास कैश जो है अब 55,000 है, ठीक है। और गुड्स हमारे पास कोई चेंज नहीं है, 8,000 है। डेटर्स हमारे पास कोई चेंज नहीं है, ये भी 12,000 है। लाइबिलिटीज कोई लाइबिलिटीज नहीं है, और कैपिटल अब हमारे पास होगी 75,000। अगेन आप टोटल करें तो 55 + 8 = 63, और 63,000 + 12,000 इट इज अगेन 75,000 एंड द लाइबिलिटी 0 + 75 कैपिटल 75। तो आप इस ट्रांजेक्शन के बाद भी देख रहे हैं कि व्यवसाय की एसेट्स जो हैं वो भी 75,000 है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल भी 75,000 है। इसका मतलब प्रत्येक लेन देन के बाद व्यवसाय की संपत्तियां जो हैं वो उसके दायित्व और पूंजी के हमेशा बराबर होती हैं। देन द लास्ट ट्रांजेक्शन है अबाउट फर्नीचर ₹6,000। तो जब फर्नीचर खरीदा गया 6,000 रुपए से नगद, तो फर्नीचर व्यवसाय में आता है, और फर्नीचर जो है वो एक व्यवसाय की संपत्ति होती है। तो फर्नीचर जो है वो व्यवसाय का 6,000 से बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जब फर्नीचर खरीदा गया तो वो नगद खरीदा गया, तो जब नगद खरीदा गया तो व्यवसाय की कैश संपत्ति जो है वो कम हो गई। तो अब हम लास्ट इक्वेशंस देखते हैं कि इस लेन देन के बाद अब व्यवसाय के पास कैश कितना बचा है। आप देख सकते हैं 49,000 कितना बचा है, 49,000। गुड्स कोई चेंजेस नहीं है, इट इज 8,000 एंड देन डेटर्स कोई चेंजेस नहीं है 12,000, और फर्नीचर जो है वो सेम 6,000। द लायबिलिटीज कोई चेंजेस नहीं, जीरो प्लस कैपिटल जो है वो 75,000। अगेन अगर आप टोटल करें तो 49,000 + 8 इट इज 57,000, 57 + 12,000 इट इज 69,000, 69,000 + 6 इट इज अगेन 75,000, और लाइबिलिटी 0 प्लस कैपिटल जो है वो भी 75,000 है। तो इस लेन देन के बाद भी अगर आप देखें तो व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो 75,000 रुपए है, लाइबिलिटी 0 है, और कैपिटल भी 75,000 रुपए है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी व्यवसाय में जो लेन देन होता है उसके बाद व्यवसाय की संपत्तियां जो है वो व्यवसाय के दायित्व और पूंजी के बराबर ही होती हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो से आपने देखा कि मार्च 2019, मार्च 2020 और मार्च 2021 में जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट जो है वो समझ